हेलो फ्रेंड, मैं विकास, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, शिवम ऑटो टेक इस स्टॉक का जो राइट इशू अभी ऑलरेडी ओपन है और काफ़ी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो है इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग हो रही है, तो इस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस राइट इशू का पहले रिव्यू लेते हैं। तो अगर बताएं तो ये राइट इशू की जो ओपन डेट थी वो 31 दिसंबर 2021 की थी, यानी कि 31 दिसंबर 2021 को ये राइट इशू ओपन हो गया है और इसकी जो क्लोजिंग है वो 28 जनवरी 2022 की ये क्लोज होगा। तो आप 31 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जिनको भी ये अलॉटमेंट हुए हैं और अगर वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस राइट इशू के लिए, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं 28 जनवरी 2022 तक। इसके बाद जो थर्ड डेट आती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डेट है, वो है OMR, यानी कि ऑन मार्केट रिनेंसिएशन की डेट, और इसकी लास्ट डेट है 21 जनवरी 2022 की। तो ये क्या होती है कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग इशू क्लोजिंग होने के साथ ही जो है, यानी कि 21 दिसंबर से ही जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर ये ट्रेडिंग की जो लास्ट डेट है वो है 21 जनवरी 2022 की। तो जो भी ट्रेड कर रहे हैं राइट एंटाइटलमेंट्स, वो 21 तारीख तक ही ट्रेड करेंगे, 21 जनवरी तक ही ट्रेड करेंगे, उसके बाद इनकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स होते हैं वो टेम्प्रेरी लिस्टिंग जो होती है उनकी, और इशू क्लोजिंग के बाद यानी कि 21 तारीख को उनकी ट्रेडिंग खत्म हो जाए, बंद हो जाएगी, और साथ ही साथ 28 जनवरी 2022 को वो लैप्स हो जाते हैं जो कि राइट एंटाइटलमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उन्हें फुली पेड अप शेयर समझ कर या ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं ये सोच कर अगर आप बाय कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग मात्र जो है वो 21 जनवरी तक चलेगी। 21 जनवरी के बाद वो ट्रेड भी नहीं हो पाएंगे और 28 जनवरी 2022 यानी कि इशू क्लोजिंग जैसे ही होगी उसके बाद वो लैप्स हो जाते हैं और आपके अकाउंट से चला जाएगा, और आपने जो प्रीमियम भी दिया है उन्हें बाय करने के लिए वो आपका जो है टोटल लॉस हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसके साथ ही जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग होती है वो जो होती है वो T+2 डेज का सेटलमेंट लगता है उसमें, यानी कि अगर आज आपने बाय किए हैं तो आप उन्हें 3 दिन के बाद ही दोबारा सेल कर पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इंट्राडे ट्रेड नहीं होती है उसमें, ये बिल्कुल ध्यान रखें। अब क्योंकि 21 जनवरी 2022 लास्ट डेट है राइट एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग की, तो आपको याद रखना है कि 18 जनवरी तक अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो आपको एक बार मौका मिल जाएगा कि 18, 19, 20 को आपके पास डिलीवरी आ जाएगी और 21 को आप बेच सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ये T2T सेगमेंट पे होते हैं, तो अगर जब तक बायर्स या सेलर्स दोनों ही अवेलेबल होना चाहिए तभी ये ट्रेड एक्सिक्यूट होगी। अगर बायर अवेलेबल है, सेलर अवेलेबल नहीं है, तो भी ये ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होगी, और सेलर है और बायर अवेलेबल नहीं है तो भी। तो इन दोनों का होना जरूरी है, इसलिए ये T2T सेगमेंट के में आता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो एंड टाइम पर अगर आप बेचना चाहते हैं और आपको बायर्स नहीं मिलते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आपने सब्सक्राइब करने के लिए ही इन्हें खरीदा है तो बिल्कुल आप उन्हें रख सकते हैं, बट और इशू जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम इस पर बात करेंगे जब हम राइट एंटरटेनमेंट पर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए कि इसकी जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट हैं, तो वो है अलॉटमेंट जो डे होंगे वो 4 फरवरी 2022 को होगा। अलॉटमेंट डेट जो है वो 4 फरवरी 2022 की है। तो आप जो अप्लाई करेंगे राइट एंटाइटलमेंट से या राइट शेयर्स के लिए, तो उनका जो अलॉटमेंट हो जाएगा वो 4 फरवरी 2022 तक हो जाएगा। उसके बाद आती है क्रेडिट, यानी कि 8 फरवरी 2022 की ये डेट है। तो 8 फरवरी तक जो है ये आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएंगे जो शेयर्स आपने अप्लाई किए हैं, और फिर जो लिस्टिंग होगी उनकी वो 10 फरवरी 2022 को होगी। तो यहाँ पर जो प्राइस रखा गया है, जो हम आगे बात करेंगे, उसकी जो लिस्टिंग का जो लिस्टिंग होगी जब उसकी, तो ये फुली पेड अप शेयर्स के साथ ट्रेड करने लगेंगे, और फिर जो है इनका जो है आपका दोबारा, आप अगर इन्हें सेल करना चाहते हैं तो लिस्टिंग होने के बाद आप इन्हें दोबारा सेल कर सकते हैं, या फिर रखना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। तो ये था शेड्यूल, यहाँ पर लिस्टिंग डेट जो है 10 फरवरी 2022 को होने जा रही है। चलिए बात करते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग चल रही है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं वहाँ पर, तो चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग चल रही है उसके बारे में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि अगर हम देखें तो राइट इशू का जो प्राइस है वो है 18 रुपये का, यानी कि जब आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको 18 रुपये पर शेयर का पेमेंट करना है। तो जिन्हें भी अलॉटमेंट हुए हैं राइट एंटाइटलमेंट्स और अगर वो अप्लाई करते हैं वो शेयर धारक, तो आप जो है 18 रुपये का पेमेंट करना है, और ये पेमेंट फुल फुल पेमेंट करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ कोई भी पार्शली पेमेंट का ऑप्शन नहीं रखा गया है। तो इशू प्राइस जो है वो 18 रुपये का। और अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि जो इसका फुली पेड अप शेयर है शिवम ऑटो टेक का, वो शिवम ऑटो के सिंबल से ट्रेड हो रहा है, और जिसका प्राइस आज का क्लोजिंग प्राइस 35 रुपये 15 पैसे का है।
अब वहीं जो इसके राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड हो रहे हैं वो शिवम आरीज के सिंबल से ट्रेड हो रहे हैं, और जिसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 34 रुपये 40 पैसे का है। तो अब यहाँ पर देखिए फुली पेड अप 35 रुपये में ट्रेड हो रहा है और राइट एंटाइटलमेंट जो है वो 34 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड हो रहे हैं। कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है, हार्डली 1 रुपये का अंतर है यहाँ पर। बट आप देखिए अगर सपोज किसी भी नए इन्वेस्टर को एंटर करना होगा और अगर वो चाह रहा है कि राइट एंटाइटलमेंट से जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 34 रुपये 40 पैसे पे अगर वो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदता है प्रीमियम दे के, उसके बाद भी क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट जो है मैंने बताया टेम्परेरी सिक्योरिटी होती है, टेम्परेरी लिस्टेड, और इशू क्लोजिंग डेट के बाद वो लैप्स हो जाती हैं और इनकी जो ट्रेडिंग है वो भी लास्ट डेट जो है ऑन मार्केट रिन्यूंसिएशन की तभी तक चलती है। तो अब अगर सपोज वो यहाँ पर 30 रुपये के प्राइस पे भी 100 आरीज खरीदता है तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 3,000 रुपये की, और अब यहाँ पर इसके बाद उसे 18 रुपये और पे करने होंगे जब एप्लीकेशन करेगा वो राइट शेयर्स के लिए, तो उसकी टोटल कॉस्ट 48 रुपये की हो जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद के रख देता है तो वो एक टोटल लॉस होगा, क्योंकि इशू क्लोजिंग के बाद राइट एंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए जो भी अगर इतने हाई प्राइस पे ले रहे हैं तो इससे बेटर है कि एंटर करने से आप फुली पेड अप शेयर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा 18 रुपये शेयर 18 रुपये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन नहीं पे करना पड़ेगा, एप्लीकेशन भरने की झंझट भी नहीं रहेगी। बट अगर आप समझ रहे हैं कि आप इन राइट एंटरटेनमेंट जो कि 34 रुपये 40 पैसे पे भी ट्रेड हो रहे हैं उनको खरीद कर आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरीज जो है वो लैप्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल सतर्क रहिए इस बात पर, इन पर कोई भी इंट्रा ट्रेड ट्रेड नहीं होती है, और जहाँ तक मुझे यकीन है कि जैसे जैसे लास्ट डेट इसकी क्लोज आएगी जो ट्रेडिंग की लास्ट डेट है तब यहाँ पर आरिस के प्राइस डेफिनेटली गिरना चालू होंगे, क्योंकि जिन्हें अभी अलॉटमेंट हुए हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आरिस अपने बेच के जा रहे होंगे, कि उनको ऑलमोस्ट जो है शेयर प्राइस के बराबर का पैसा मिल रहा है। बट अगर ऐसे ट्रेडर जो फंस जाएंगे तो अब जो है जैसे कि मैंने बताया कि 30 या 34 रुपये पे आप लेते हैं तो उसके बाद भी आपको उन शेयर्स को अप्लाई करना होगा राइट शेयर्स के लिए, और जिसके लिए आपको जो है 18 रुपये पर शेयर का पेमेंट ऑन एप्लीकेशन करना होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, हर बार मैं बताता हूँ बट बाद में लोग आते हैं कि हमने खरीद लिए हैं और फंस गए हैं इस तरह से। और अगर अभी बताऊँ कि इसकी फेयर प्राइस क्या चलनी चाहिए थी राइट, इस जो एंटाइटलमेंट्स की ट्रेड हो रही है वो एक्चुअल फेयर प्राइस क्या निकल के आता है, तो उसके लिए कुछ नहीं, जो इसका फुली पेड अप शेयर्स ट्रेड हो रहा है शिवम ऑटो का उसके प्राइस यानी 35 रुपये 15 पैसे में हम अगर राइट इशू का प्राइस जो है वो घटा दें तो 17 रुपये जो फेयर प्राइस निकल के आता है इस राइट एंटाइटलमेंट का वो 17 रुपये 15 पैसे आता है, यानी कि अभी जो 17 रुपये 15 पैसे के आसपास मिलते तो भी एक बार हम सोच सकते थे कि राइट एंटाइटलमेंट खरीद के यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, या 17 रुपये से नीचे मिलते। बट यहाँ पर 34 जस्ट डबल का भाव यहाँ चल रहा है, और जो कि ऑलमोस्ट अपने जो है फुली पेड अप शेयर्स के बराबर ही है। तो आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है, और जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि आप चेक कर सकते हैं किसी भी राइट एंटाइटलमेंट्स में कि राइट एंटाइटलमेंट्स की फेयर वैल्यू क्या निकल के आ रही है, उसके फुली पेड अप शेयर्स में इसके जो प्राइस चल रहा रहता है उसमें से मात्र आपको जो है राइट इशू प्राइस घटाना होता है। तो पर डे आप देख सकते हैं कि यार इस डेट पर इतना यह ट्रेड होना चाहिए, तो इस तरह से 17 रुपये 15 पैसे एज पर माई एनालिसिस ये निकल के आता है, बट ट्रेड हो रहा है 34 रुपये 40 पैसे पर। तो बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज़ लिया है तो वो आपका एनालिसिस है, बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये राइट शेयर्स आप रख सकते हैं तो ऐसा नहीं है, इशू क्लोजिंग के बाद ये लैप्स हो जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आपको 18 रुपये पर शेयर जो एप्लीकेशन इशू प्राइस है ऑन एप्लीकेशन आपको वो भी पे करना पड़ेगा, और इसका जो रजिस्ट्रार है वो है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, हालांकि एप्लीकेशन कैसे करना है अगर आपको जानना है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है इंटरेस्टिंग दिख रही थी मुझे कि इसके जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है फुली पेड अप शेयर्स के साथ के प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों शिवम ऑटो टेक का जो राइट एंटाइटलमेंट्स और राइट इशू के बारे में, और ये मेरा एनालिसिस है। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।